सबसे बड़े मदरसे का नाम जानते हैं? यूपी में बना दारुल उलूम देवबंद भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है। इस मदरसे में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं। भारत की आज़ादी में इस मदरसे का बड़ा योगदान रहा। 70 एकड़ में फैला ये मदरसा आज पूरे भारत को अपनी गौरव गाथा सुना रहा है। ये भारत का एकमात्र मदरसा है जहां पर हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध है। दारुल उलूम देवबंद ने भारत को सबसे बड़े वैज्ञानिक और राजनेता दिए। 20वीं सदी के अधिकतर राजनेता दारुल उलूम देवबंद की विचारधारा से प्रभावित थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पहले जनरल सेक्रेटरी मिन्नतुल्ला रहमानी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। देश के पहले गृह मंत्री मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने दारुल उलूम देवबंद से ही शिक्षा हासिल की थी। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापकों ने ही 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शामली में जंग लड़ी। इस युद्ध की अगुवाई मशहूर क्रांतिकारी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की कर रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना मौलाना कासिम नानोतवी ने 30 मई 1866 को देवबंद में की थी। देवबंद की एक छोटी सी मस्जिद से शुरू हुआ ये मदरसा आज एशिया का सबसे बड़ा मदरसा बन चुका है। इस मदरसे के पहले छात्र महमूदुल हसन और पहले उस्ताद महमूद थे। क्या आप भारत के सबसे